नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर हमारा स्वास्थ्य रखता है मैटर, क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में हमारा स्वास्थ्य ही सही नहीं होगा, हम निरोग नहीं होंगे, तो हमें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि हमारा स्वास्थ्य ही सही नहीं होता तो हमारा किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, और जब कार्य में मन नहीं लगता तो वह कार्य सुचारू रूप से चल भी नहीं पाता है। हमेशा उस कार्य में बाधाएं आती रहती हैं या फिर मुश्किलें आती रहती हैं। आज मैं बताऊंगी आपको राशि के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए यदि आपका स्वास्थ्य खराब रहता है। यदि आपके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसके लिए कुछ उपाय हैं। यदि आप उन उपायों को करते हैं तो आप जल्दी ही उस रोग से निरोग हो सकते हैं। जानिए इस वीडियो के दौरान। यदि आपकी राशि मेष राशि है और आपका लगातार स्वास्थ्य खराब होता है और या फिर स्वास्थ्य खराब रहता है तो उसकी वजह से आपको हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है या फिर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपका मन कहीं भी नहीं लगता है या फिर किसी भी कार्य में यदि आप कोशिश भी करते हैं तो आपका मन इधर से उधर हो जाता है और वह काम सही से नहीं हो पाता है, और आपका रोग इतना बड़ा होता जा रहा है जिसकी वजह से आपका शरीर सही से काम नहीं कर पा रहा है। यदि आप चाहते हैं कि इस रोग से आपको जल्दी ही निजात मिल जाए तो उसके लिए उपाय है। आपकी राशि के भगवान हनुमान स्वामी हैं। यदि आप उनकी पूजा करते हैं या फिर लाल कलर के पौधे या फिर लाल चंदन का पौधा अपने घर में लगाते हैं और उसकी सेवा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो आप जल्दी ही उस रोग से निरोग हो सकते हैं। हो सके तो लाल चंदन के जो पत्ते होते हैं उन्हें आप अपने पर्स में रख भी सकते हैं। ऐसा करने से आपके जल्दी ही रोग से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये आसान सा उपाय आपको रोगी से निरोगी बना सकता है। इस उपाय को जरूर करें और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।